काफ़ी समय से फैमिली को मैं टाइम नहीं दे पा रहा था। कभी तो जयपुर में बजाज के शो कर रहा हूँ, कभी जैसलमेर जा रहा हूँ, तो सोचा कि दो दिन की छुट्टी मना लेते हैं रिसॉर्ट के अंदर। तो हम लोग आ गए कुंभलगढ़, और ये प्रॉपर्टी बहुत ही ज़्यादा शांत है, एकदम पीसफुल इन्वायरमेंट, ऐसा लगता है कि आप जंगल के बीच में रह रहे हैं। रियल में इस प्लेस की वाइब ही अलग है, यहाँ पे एक अलग सी शांति, एक अलग सा सुकून है। जहाँ पर हमने अभी ये रूम लिया है 103, और ये एकदम बेस्ट जगह है रुकने के लिए। और यहाँ पर भी मैं अपनी वाइफ का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आया हूँ, और बाथरूम तो क्या बताएं, जकूजी वगैरह है। और ये फैमिली के लिए, फ्रेंड्स के लिए बहुत ही अच्छी प्लेस है। अगर आप इन्जॉय करना चाहते हैं तो ये वन ऑफ द बेस्ट प्लेस है, जहाँ आप चाहते हैं एक शांति, एक वर्क आपने कर लिया है पर वर्क के बाद में आप पीस चाहते हैं, तो आपको ये जगह चूज़ करनी चाहिए। और ये जगह की मैं बात करता हूँ मेनली, जो इसका जो मेन जो व्यू जो आता है वो यहाँ पर आता है। मेन आपको जो पीस और जो शांति मिलती है जगह पर मिलती है। एक बार आप ये चीज़ को सुनिए, जो आवाज़ जो आ रही है, इसलिए मैंने इस डेस्टिनेशन को चूज़ किया था कि एकदम नेचर के पास में है, प्लस आपका खुद का एक प्राइवेट पूल है। इसके अलावा इस प्रॉपर्टी के अंदर इन्फिनिटी पूल भी है, वहाँ पर स्विमिंग वगैरह करने का एक अलग मज़ा है, क्योंकि इसमें पूरी लेक दिखती है और साथ में आपको पूल जो होता है वो चीज़ इस जगह का एंजॉय करेंगे पीस के लिए, है ना। डेली जो वर्क होता है उससे आप हट करके इस चीज़ को एंजॉय कर सकते हैं, इसलिए मैंने ये चीज़ को चूज़ किया। नेहा बोल रही थी कहाँ इसकी रिक्वायरमेंट है, कहाँ इस पूल की रिक्वायरमेंट है, सब चीज़ को लेकर के। बट अब क्या है तुम्हारे पर्सपेक्टिव? अभी बहुत मज़े आ रहे हैं, और आरव भी बहुत इन्जॉय कर रहा है। अभी शाम हो गई है और अभी हम जा रहे हैं पूल की साइड में। पूल बहुत ही ज़्यादा अच्छा है यहाँ पर, तो सोचा थोड़ी स्विमिंग कर लेते हैं, लेकिन हल्की ठंडक यहाँ पर ज़्यादा बढ़ गई है, और जो पानी है वो ठंडा है। नहीं, जो पूल है वो बहुत अच्छा है, जो व्यू आएगा ना मैं आपको बताता हूँ कैसा है। आरव को हमने यहाँ पर बैठा दिया है, नेहा ने बहुत हिम्मत करके पूल में आई है, तो ये व्यू है पूल का। Happy birthday to you, happy birthday to you, may God bless you. फिर नेक्स्ट डे हम लोग आ गए कुंभलगढ़ का फोर्ट देखने के लिए, जो कि अपना में एक अलग ही अपनी एक छवि रखता है, एक पहचान रखता है। अभी आपको बताने वाले कुंभलगढ़ का जो फोर्ट है ये, और ये क्यों इतना ज़्यादा फेमस है, क्या चीज़ है, किस चीज़ के लिए फेमस है। 15 सेंचुरी के अंदर राणा कुंभा ने इस फोर्ट को बनाया था। इसको अजय किला भी कहा जाता है, क्योंकि आज तक इस पे कोई जीत हासिल नहीं कर पाया। टोटल 36 किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है, और इसका निर्माण करना इतना ज़्यादा आसान नहीं था। जब राणा कुंभा यहाँ पर आए थे तभी एकदम बंजर जगह थी, यहाँ पर कुछ मंदिर बने हुए थे, जैन और हिंदू मंदिर। टोटल यहाँ पर 360 मंदिर है, उसमें से अभी 70 मंदिर जो है उसमें ही पूजा की जाती है। राणा कुंभा ने इस जगह को इसलिए चूज़ किया क्योंकि उनके मुताबिक इस पर अटैक करना थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क होता, उनका सोचना सही था, तभी इसको अजय किला भी कहा जाता है। इस किले की जो दीवारें हैं वो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद में दुनिया के दूसरे नंबर पर आती है। राणा कुंभा इसके कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत बार फेल हुए, दिन में जो भी काम किया जाता था वहाँ पर रात को सब कुछ चीज़ें मिट्टी में मिल जाती थी। तो राणा कुंभा ने वहाँ पर बैठे संत महात्मा से पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो संत महात्मा ने कहा कि यहाँ पर देवी का प्रकोप है और इसके लिए आपको एक इंसान की बलि चढ़ानी पड़ेगी और उसके बाद ही इसका निर्माण हो सकता है। तो यहाँ पर जो है द ग्रेट वॉरियर, अनबीटेबल पर्सन महाराणा प्रताप जी का भी यहाँ पर जन्म हुआ था, तो उनका ये बर्थ प्लेस है ये, और अभी भी काफ़ी कुछ चीज़ें पड़ी है यहाँ पर। तो राणा कुंभा ने कहा कि ऐसा आंसर मुझे कहाँ मिलेगा जो खुद की बलि देगा, तो उन्होंने कहा कि मैं खुशी खुशी इसके लिए, इसके निर्माण के लिए बलि दे सकता हूँ, पर उन्होंने कहा कि इसके लिए मेरी कुछ शर्तें हैं। पहली शर्त उनकी ये थी कि उनका नाम लिखा जाएगा इस किले के अंदर, और दूसरी ये जहाँ से उनका सर धड़ से अलग किया जाएगा तो वो होगा किले का स्टार्टिंग पॉइंट, और ये वो पॉइंट है जहाँ पर आकर के उनकी बॉडी रुकी थी, जो कि है भैरव मंदिर। बादल महल देखने के बाद में हम लोग आ गए थे महादेव जी के दर्शन करने के लिए, नीलकंठ महादेव जी के मंदिर पे। फिर वहाँ पर दर्शन करने के बाद में हम लोग चले गए शाम को बोटिंग करने के लिए। सो गाइस, अभी बोटिंग कर रहे हैं हम लोग कुंभलगढ़ के अंदर, मैं नेहा आ रहा हूँ। बहुत ही ज़्यादा शांति, बहुत ही ज़्यादा पीस, अच्छा सा लग रहा है वहाँ पे। अरे मज़ा आ रहा है। किस में बैठे हो, किस में बैठे हो? मोटर बोट में, मोटर बोट बैठे हो क्या? क्या बात है। एक साथ में अभी आना हुआ है तो इसलिए जो है मोटो ब्लॉग नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि फैमिली के साथ भी चलना है और आरव बहुत छोटा है, तो
बाइक्स को अभी अवॉइड किया जा रहा है और ओनली अभी कार ट्रैवल आप देख रहे हैं।